हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस विधि से पुरानी कब्ज, पेट के कीड़ों और बवासीर का 100% इलाज है करेला। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको पुराने से पुराने कब्ज, पेट के कीड़े और बवासीर का इलाज बता रही हूँ और वो करेले में ही है। हमारे शरीर में 6 रस चाहिए, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कसाई और कड़वा। 5 रस तो हम अधिकतर दैनिक रूटीन में ले ही लेते हैं, लेकिन जो कुदरत ने हमें कड़वा एक रस दिया है, उस रस को हम कभी नहीं लेते हैं क्योंकि हमें कड़वा पसंद नहीं आता। जब भी हम कोई कड़वा चीज खाते हैं तो मुंह से उसे फेंक देते हैं। अगर आप करेले को और उसके कड़वाहटों को प्रेम करने लग जाएंगे और उस कड़वाहट का आप रस लेने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के बहुत सारे रोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये तबीयत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 15 दिन में तो कम से कम एक बार करेला जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसके सेहत के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। करेले में अन्य सब्जी या फल की तुलना में ज्यादा औषधीय गुण पाने के कारण इसकी तासीर खुश्क होती है और ये खाने के बाद आसानी से पच जाता है। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, विटामिन सी और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। करेले की ताजी पत्तियों को पीसकर माथे पर लगाने से सिर दर्द से आराम मिलता है। घाव पर करेले के जड़ को पीसकर लगाने से घाव पक जाता है और मवाद भी निकल जाता है। इससे घाव जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आपके पास करेले का जड़ नहीं है तो इसकी पत्तियों को पीसकर गर्म करके पट्टी बांध ले। इससे फोड़े पक जाएंगे और पस भी निकल जाएगी। कच्चे करेले को आग में भूनकर फिर मसलकर रुई में लपेटकर घुटने में बांधने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है। करेले के रस को पीने से पथरी में आराम मिलता है। करेला मुंह के छालों के लिए अचूक दवा है। करेले की पत्तियों का रस निकालकर उसमें थोड़ा मुल्तानी मिट्टी मिलाकर पेस्ट बना ले और मुंह के छालों पर लगाएं। मुल्तानी मिट्टी ना मिले तो करेले के रस में रुई को डुबोकर छाले वाली जगह पर लगाएं और लार को बाहर आने दें। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। कफ की शिकायत होने पर करेले का सेवन करना चाहिए। करेले में फास्फोरस होता है जिसके कारण कफ की शिकायत दूर होती है। करेला हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है जिसके कारण भूख बढ़ती है। करेला खून साफ करता है। करेला खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बवासीर होने पर 1 चम्मच करेले के रस में 1/2 चम्मच शक्कर मिलाकर 1 महीने तक प्रयोग करने से बवासीर की शिकायत समाप्त हो जाती है। गठिया रोग होने पर या हाथ पैर में जलन होने पर करेले के रस से मालिश करना चाहिए। इससे गठिया के रोगी को फायदा होता है। दमा होने पर बिना मसाले के करेले की सब्जी खाना चाहिए। इससे दमा रोग में फायदा होगा। उल्टी, दस्त और हैजा होने पर करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक डालकर पीने से फायदा होता है। करेले के रस को नींबू के रस के साथ पानी में मिलाकर पीने से वजन कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।